आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये चार प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समित शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। एक वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010002737 8, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रुपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रुपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010002429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011772777, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे वाहन कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्म पत्नी, पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्म पत्नी, श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम, सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, देह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। गुलशन से बहारों का नजारा चला गया, किस्ती से बहुत दूर किनारा चला गया,
और हम देखते ही रह गए आंखें पसार कर कि जिंदगी से बहुत दूर नज़ारा चला गया, जिंदगी से बहुत दूर नज़ारा चला गया। हमारे आचार्य कहते भी हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। कि दुनिया में जो चीज उत्पन्न हुई है वो नाश तो प्राप्त होगी, जो संबंध बने हैं वो एक दिन विच्छिन्न हो जाएंगे, जो मित्र हैं एक दिन विदा हो जाएंगे, जो शत्रु भी विदा हो जाएंगे। क्योंकि बहुत अच्छी बात कही है दौलत राम जी ने, जो वन ग्रह है गोधन नारी है गई जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छीनी थाई सुर धन चपुला चपुलाए। जो वन कितना भी आप बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ खाएं, जिम जाएं, एक दिन जवानी बुढ़ापे में परिवर्तित हो जाएगी और एक दिन इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, एक दिन सत्ता तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। सत्ता को कितना बड़ा नेता हो वो पकड़े रखे, लेकिन एक दिन वो जाती है। सिकंदर भी यहाँ अमर नहीं रह पाता है। सिकंदर ने भी एक सीख दी थी, जिस सत्ता के लिए उसने जीवन में सारी शक्ति लगा दी थी, उस सत्ता उस हुकूमत ने उसे कुछ घंटे की मोहलत भी नहीं दी थी। वो अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया था, अपने राज्य तक वापस नहीं जा पाया था, क्योंकि मौत कभी भी किसी को कहीं से भी ले जाती है। मौत से बचने के हम बहुत उपाय करते हैं, लेकिन मौत कहीं ना कहीं से झांक लेती है, किसी ना किसी रास्ते से आ जाती है और हमें ले जाती है। हम मौत से यदि बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, वो परमात्मा का रास्ता है। क्योंकि इंद्रियों के भोग तो चपल हैं, कहते हैं कि विषय ऐसे होते हैं जो नाग और आग से भी भयंकर होते हैं। कहते भी हैं कि विषयों को भोगने में आनंद आता है, लेकिन जब फल मिलता है तो बहुत बुरा मिलता है। और जिंदगी के लिए जिसको भी अनित्यता का ध्यान रहता है कि ये आत्मा शाश्वत है और देह नाशवान है, इंद्रियों के पदार्थ नाशवान है, क्योंकि पदार्थों की पर्याय हैं और उनकी पर्याय निश्चित है, कब कौन सी पर्याय का विनाश हो जाएगा। जो उत्पन्न हुआ है वो विनाश को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन में जो एक बार स्वास्थ्य को पा लेता है उसे जीवन में फिर कभी तड़पने की, दौड़ने की, हारने की वो कभी हारता नहीं। और इसीलिए कहते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। और भी कहते हैं मंगत राय जी कहते हैं, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, और प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। हम रोज सुबह का दिन देखते हैं, लेकिन सुबह परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते हैं कि परमात्मा मैंने दिन भर में रात भर में कोई ऐसा काम नहीं किया था कि मुझे श्वासें अनमोल श्वासें मिलती, लेकिन आपकी कृपा है कि हमें अनमोल श्वासें मिली हैं। और आपकी कृपा रही तो मैं पूरा दिन अपने आप को परमात्मा की आराधना में और अच्छे कामों में लगा सकता हूँ। लेकिन आदमी कितनी बेईमानी, चोरी, छीना झपटी, झगड़े, कोर्ट कचहरी, हाय तोबा में निकाल देता है, और अंत में क्या परिणाम मिलता है? चीज़ें यहीं पड़ी रहती हैं, रिश्तेदार पास में खड़े रहते हैं और आदमी राख हो जाता है, या वह चिता में जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, दोनों तरह से मिट्टी हो जाती है। लेकिन जो इसको रहस्य को पा लेता है, जो जानता है कि संसार तो एक इंद्रधनुष की तरह है, संसार एक सपने की तरह है, वो शाश्वत को पा लेता है। वरना लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम भुलावे के लिए रखे हैं, लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन के बहाने मौत के पास पहुंच जाते हैं, लोग शादी की सालगिरह मनाते हैं, लेकिन शादी की सालगिरह भी एक दिन तुम्हें बुढ़ापे के पास ले जा रही है। और सच पूछो तो एक दिन मौत आएगी, और मौत को भी बड़े अच्छे नाम दिए आप लोगों ने, कहते हैं देवलोक गमन हो गया, देवलोक हो गया, शांत हो गए, और शमशान को तुमने मोक्ष स्थान रख लिया नाम। तुम्हारे नाम रखने से मोक्ष स्थान नहीं हो जाएगा,
मोक्ष तो वो है जहाँ दोबारा नहीं आना पड़े। संसारी आदमी संसार में बार बार आता है और बार बार जाता है, आता है तब भी आकुलित होता है, जाता है तब भी आकुलित होता है और जीवन भर आकुलित होता है। लेकिन सन्यासी वो होता है जो शाश्वत को पहचान जाता है और एक मुसाफिर खाने की तरह, एक ड्यूटी की तरह हर काम करते हुए भी उसको बंद नहीं होता है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि ये वैराग्य भावना 12 भावना है और ये वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान है। लेकिन आदमी इसमें भी बेईमानी कर लेता है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, माता जी कोई नियम दे दीजिए। मैंने कहा स्वाध्याय किया करो। बोले और भी कोई नियम दे दो। मैंने कहा 12 भावना का चिंतन किया करो। और वो 12 भावना का चिंतन करके दोबारा आया, दूसरी साल आया। मैंने कहा 12 भावना का चिंतन कर रहे हो कि नहीं? बोले वो तो करता हूँ, मुझे अनित्य भावना बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा क्या करते हो? बोले बस पूछो, मैं 24 घंटे उसी के ध्यान में डूबा रहता हूँ। मैंने कहा बड़े ज्ञानी हो, क्या बात है, क्या चिंतन करते हो? बोले बस पूछो मत। मैंने कहा बताओ तो सही। वो कहने लगा, जब पढ़ता हूँ कि राजा राणा छत्रपति हाथी इनके असवार, तो बड़ी खुशी होती है, लगता है राजा मरेगा, राणा मरेगा, छत्रपति मरेगा, हाथी पे बैठने वाला मरेगा, घोड़ा पर बैठने वाला मरेगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरा नाम नहीं आता कि गाड़ी में बैठने वाला मैं भी मरूँगा। मैंने कहा तू कितना भी धोखा दे ले, बहुत धोखे की बात है, तू अपने दिल को तसल्ली दे दे, लेकिन एक दिन मौत आएगी और ले जाएगी। वहाँ नहीं लिखा है क्योंकि उस समय गाड़ियाँ नहीं चलती थी, रथ और घोड़े ही चलते थे। और मैंने कहा स्वाध्याय करता है कि नहीं? बोले करता हूँ। मैंने कहा कौन सा स्वाध्याय करता है? कहने लगा द्रव्य संग्रह। मैंने कहा कौन सा अध्याय चल रहा है? कहने लगा संपत्ति अधिकार। मैंने कहा संपत्ति अधिकार है नहीं? तो कहने लगा मैंने कहा तो कि बड़े रूप में द्रव्य का संग्रह चल रहा है, यानी अर्थ का संग्रह चल रहा है, ऐसा द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय कर रहा हूँ। बोले उसी खाते वही में लगा रहता हूँ, यही स्वाध्याय। मैंने कहा तेरा ये स्वाध्याय बहुत महंगा पड़ेगा। जिस मकान जिस दुकान की आसक्ति में लगा रहता है उस दुकान में कीड़े पतंगे होकर जाएगा, क्योंकि जहाँ की आसक्ति होगी बार बार वहीं जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यदि तुम्हें जीवन को सफल बनाना है तो तुम अनित्य भावना का चिंतन करो। प्रत्येक जिंदगी के लिए कहा है, ओस बूंद ज्यों गले धूप में, बा अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीन होते क्या समझे प्राणी। आचार्य कहते दिन पर दिन ये शरीर छीन हो रहा और संसार के सब पदार्थों के लिए आचार्य कहते नाशवान है। और जिस संपत्ति को पाकर आदमी इतना इतराता है, उसको अपना कहते हैं अपना समझता है, वो संपत्ति आते टाइम भी आकुलता देती है, कमाने में भी आकुलता देती है और मर जाता है तो भी उसके छूटने की आसक्ति, उसके छूटने का दुख बहुत आकुलता देता है, दुर्गति देता है। इसलिए हमें चाहिए कि इन 12 भावनाओं को चिंतन करें। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो एक दो और तीन मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है, और कुछ कुछ पर्यायें तो हमें ऐसी मिली हैं जो क्षण मात्र को अंतर मुहूर्त के लिए माँ के गर्भ में आए और मर गए। बचपन भी कई ऐसे मिले हैं, बच्चे हैंडीकैप होते हैं, लाचार होते हैं, कहीं चोट लग जाती है तो स्मृति खो जाती है, और कभी लूले लंगड़े अपाहिज पागल कितनी पर्यायें होती हैं, और यदि वो पर्यायें नहीं भी पाएं तो कभी कभी परिवार में दुख होता है, पत्नी अच्छी नहीं है, पति अच्छा नहीं है, सास ससुर अच्छे नहीं है, कभी तलाक हो गया, कभी किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया, कितने दुख हैं संसार में। आचार्य कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख हैं, एक सुख का मार्ग है तो वो अपने आप को पहचानना सुख का मार्ग है। सुख का मार्ग है तो अपने आप को परमात्मा बनाना, अपने आप को अपनी आत्मा को जानना। आत्मा किसी की छोटी बड़ी नहीं होती, फिर झगड़े किससे करना? आत्मा तो आत्मा होती है, ये भले नाशवान पर्याय के साथ रहती है, लेकिन जो इसको पहचान जाता है वो शाश्वत का प्रयास करता है
और एक दिन शासक की सत्ता प्राप्त कर लेता है, तो हमें भी चाहिए कि धन परिवार संपत्ति और मकान आदि बनाओ, रहो, रहने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन रहने के साथ साथ ये पहचानो कि शरीर पर क्या इतराना, एक दिन ये पानी का बुलबुला है, ना जाने कौन सी ठोकर लगेगी और कहाँ जिंदगी की कहानी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी में किसी के भी इतिहास पूरे नहीं होते हैं, हमारे और आपके इतिहास भी पूरे नहीं होंगे, किसी की तमन्नाएं, क्योंकि खोपड़ी तो मानव की है जो कभी भरती नहीं। तृष्णा चिस्सा परिदहंती न शांति रसा, कहते हैं तृष्णाओं की आग कभी शांत नहीं होती है, लेकिन होती है तो वो परमात्मा के उपदेश से होती है, तो हमें चाहिए कि हम परमात्मा के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और उसे अपना कर एक शाश्वत पद का प्रयास करें। और शाश्वत पद कैसे मिलेगा, जब नाशवान को नाशवान मानेंगे। आज तक तुमने नाशवान को शाश्वत मान लिया है और उसके कारण ही जिंदगी में बहुत उलझन है, बहुत टेंशन है, तुम अपने जीवन की टेंशनों को मिटाएं और परमात्मा के चरणों में अपनी लगन लगाएं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे वाहन कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्म पत्नी, पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्म पत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम, सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, देह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, एनसी जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।